स्टूडेंट वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास पिछली क्लास में हमने बताया था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का जनरल मेथड्स कैसे जनरल मेथड से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं आज की इस क्लास के अंदर हम अब पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के अनोदर शॉर्ट मेथड्स और कौन से हैं ये शॉर्ट मेथड्स डिपेंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वे, इक्वेशन के राइट हैंड पार्ट क्यूब के ऊपर है ना तो हमने फिर जो कहा था अगर क्यू इक्ल टू जीरो हो जाता है तो ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाता है और नहीं होता तो नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाता है होमोजीनियस केस में केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलता है और नॉन होमोजीनियस जब क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होता है तो वो नॉन होमोजीनियस होता है और नॉन होमोजीनियस केस में ही हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि एफ डी ओ वाई इक्वल टू क्यू ये एक जनरल लीनर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर है अब इसमें अंदर क्यू का जो क्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है क्यूँ जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्मेट में हो जाए जहाँ ई की पावर ऑफ ए एक्स हो यहाँ ए कोई आर्बिटर कॉन्स्टेंट हो कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है क्यूँ जो है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन हो सकता है साइन हाइपरबोलिक हो जाए या कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स हो जाए एल्ज्रिक फंक्शन ए की एक्स की पावर ऑफ एन ए एक्स की पावर ऑफ एन इस तरीके से हो जहाँ एन पॉजिटिव इंटीजर हो यहाँ ये भी हो सकता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और किसी फंक्शन ऑफ एक्स का मल्टीपल हो कॉम्बिनेशन हो एक की पावर ऑफ ए एक्स ऑफ मल्टीपल ऑफ वी वी जो है फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है कोई भी यहाँ ये भी हो सकता है कि वी कोई फंक्शन ऑफ एक्स है उसका एक्स मल्टीपल हो तो एक्स वी बी जो फंक्शन ऑफ एक्स तो ये हम पांच डिफरेंट जो है पांच छह डिफरेंट पांच केस ले रहे हैं डिफरेंट और एक कोई मिक्स केस होगा इसके बेस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं कि क्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो मतलब क्यू इज इक्वल टू ई की पावर ऑफ ए एक्स हो जहाँ ए कोई कॉन्स्टेंट है तो एफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू क्यू की जगह ईकी e पावर ऑफ ए एक्स हो जाता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ डी हो जाएगा जो क्यू जो है वो ई e की पावर ऑफ एक्स मतलब ई e की पावर ऑफ ए एक्स अपॉन एफ डी हुआ अब इसकी कंडीशन ये है कि एफ डी जो डिवाइड में गया है न्यूमरेटर की फॉर्मेट में न्यूमरेटर है ना तो वो जो है एफ डी जो है एफ ऑफ ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए डी की जगह अगर ए सब्सटीट्यूट कर दिया जाए जो ई e की पावर ए में जो आ रहा है वो अगर ए रिप्लेस कर दिया जाए तो वो जीरो नहीं होना चाहिए अगर वो जीरो नहीं होता है तो इसका इंटीग्रेटिंग जो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो ये ई e की पावर ऑफ ए एक्स अपॉन एफ डी का वो ई e की पावर ऑफ ए एक्स अपॉन एफ ए हो जाता है मतलब डी की जगह ए सब्सटीट्यूट करना और कुछ नहीं करना बस कंडीशन ये है कि एफ ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए अगर जीरो हो जाता है तो फिर क्या किया जाए तो रिपीटेड रूट जब होता है तो उस केस में एफ एक्वल टू ज़ीरो जैसे कि डी माइनस ओपे स्क्वायर हो और ए रख रहा तो ए माइनस ओप ए जीरो हो गया तो रूट के रिपीटेड रूट के केस में ये सिचुएशन हमारे पास जनरेट हो जाती है तो अगर ज़ीरो हो जाता है तो क्या करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ e की पावर ऑफ ए एक्स अपॉन एफ डी तो एफ डी में डी माइनस ओ पे फैक्टर बाहर निकाला और वो रिमेनिंग जो है फाइव ऑफ डी बच गया अब डी माइनस ओफ ए में अगर ए रखोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा डेफिनेट ठीक है तो जिसमें जीरो नहीं हो रहा है उसमें एक ही पुट कर दो और उसको सेपरेट कर दो तो की पावर ऑफ उप ए एक्स अपॉन फाइव डी जो है उसमें ए रखने पर वो जीरो नहीं हुआ और डी माइनस ओपी का जो फैक्टर है वो जीरो हो जाता है तो ए अलग हो गई एक फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन अलग हो गया कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई अब की पावर ऑफ ए एक्स के साथ वो फैक्टर यूज कर लो डी माइनस ओपे का अब वो जो जनरल मैथड से हमने बताया था कि उस फैक्टर से जनरल मेथड से हमने अगर उसको सब्सटीट्यूट करके देखा तो ये हो जाएगा ई e की पावर ऑफ ए एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स ऑफ ई की पावर ऑफ ए एक्स तो ये सॉल्व हुआ तो ई e की पावर माइनस ए x कट गया वन बच गया और उसका इंटीग्रेशन एक्स हो गया और ई e की पावर ऑफ एक्स बार है तो एक्स ई e की पावर ऑफ एक्स अपॉन पाई ऑफ ए तो इस प्रकार से का, का, मतलब कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई एक सिंगल फैक्टर रह जाता है जिसकी वजह से जीरो हो रहा है तो उस फैक्टर के का जितने फैक्टर होगा उतना ही एक्स मल्टीपल हो जाएगा उस फैक्टर की जगह एक्स मल्टीपल हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग बचा उसमें ए सब हो जाएगा इसी प्रकार अगर डी माइनस ऑफ ए की पावर ऑफ आर फैक्टर मतलब की पावर ऑफ आर आर फैक्टर हो जाए तो एक्स की पावर ऑफ आर उससे मल्टीपल करेंगे और नीचे फैक्टर आर से डिवाइड कर देते हैं ये इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल इज एक की पावर ऑफ ए एक्स अपॉन डी माइनस ऑफ ए की पावर ऑफ आर फाइव ऑफ डी तो डी माइनस ए की पावर ऑफ आर में अगर ए रखोगे तो आर टाइम्स ये जीरो हो रहा है इस वजह से इसको आर फैक्टर्स है तो एक्स पावर ऑफ आर से मल्टीपल होगा और डिवाइड बाय फैक्ट्रोल ऑफ आर हो जाएगा अगर एक फैक्टर है तो केवल एक्स दो फैक्टर है तो एक्स की पावर एक्स पावर टू अपॉन फैक्ट्रोल टू तीन फैक्टर एक्स पावर थ्री अपॉन फैक्ट्रोल थ्री स्क्वायर आर है तो एक्स पावर आर अपॉन फैक्ट्रोल ऑफ आर हो जाएगा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो डी माइनस वन स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू ई एक्स जहाँ यहाँ ट्यू जो है वो ई e की पावर ऑफ एक्स है मतलब ए जो है वो वन हो गया तो सबसे पहले इसकी ऑक्जलरिक इक्वेशन फाइंड आउट करके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया जाए तो ऑक्जलरिक इक्वेशन होगी डी की जगह एम सब्सटीट्यूट करेंगे तो एम माइनस वन का होल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो इसको सॉल्व करने पर एम की दो वैल्यू आई वन और वन एम स्क्वायर प्लस वन को भी सॉल्व किया तो दो वैल्यू दो आई प्लस माइनस ऑफ आयोटा प्लस माइनस ऑफ आयोटा टू टाइम्स तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया एम की दो वैल्यू है तो इसलिए सी वन प्लस सी टू ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ एक्स हुआ और दो जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गए तो सी वन प्लस सी सी थ्री प्लस सी फोर एक्स कोश ऑफ एक्स प्लस सी फाइव प्लस सी सिक्स साइन ऑफ एक्स तो इस प्रकार से कंप्लीट कंप्लीमेंट्री फंक्शन सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर ऑफ एक्स प्लस सी थ्री सी फोर एक्स होल ऑल कोस्टक कोश ऑफ एक्स प्लस सी फाइव सी सिक्स एक्स कोस्टक क्लोज साइन ऑफ एक्स अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लें तो एफ डी को हम इी पावर ऑफ एक्स के डिवाइड में जाएगा तो ईकी पावर ऑफ एक्स अपॉन एफ डी एफ डी है क्या डी माइनस वन का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इकी पावर ऑफ एक्स अब इसको पार्सल फ्रैक्श जो है अब यहाँ देखें तो डी माइनस वन वाले फैक्टर में डी की जगह अगर वन पुट करते हैं तो ये फैक्टर जो है हमारा ज़ीरो हो जाता है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसको छो छोड़ दो जो रिमेनिंग पार्ट बचा डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर उसमें वन पुट करके उसको सेपरेट कर दो तो ये वन स्क्वायर रखा तो ये जीरो नहीं हो रहा है तो इसको हमने जीरो इसको वन किया तो ये वन फोर की फॉर्मेट में बाहर आ गया फोर बन गया और डी माइनस वन का होल स्क्वायर जो है वो उसमें जीरो हो रहा है तो अब इसको हम दो फैक्टर है जिसकी वजह से जीरो आना है तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीपल किया और नीचे फैक्टर टू से डिवाइड कर दिया तो ये फाइनल सोल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल के तौर पर आया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन एट और ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया जो कंप्लीट सॉल्यूशन है कम्पलीमेंट्री प्लस फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि हमने ऊपर निकाले दोनों को ऐड कर दिया तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया इस प्रकार से दूसरा केस की बात करें कि अगर ये हाइपरबोलिक फंक्शन हो साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए एक्स या कोस हाइपरबोलिक ऑफ ए एक्स हो तो क्या करते हैं तो ये इसका हम एग्जाम्पल से देखें या फिर डायरेक्टली हम कहें डी स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसके अंदर डायरेक्टली बट ए स्क्वायर एफ ओफ ए स्क्वायर अब डी स्क्वायर है डी स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे और डी स्क्वायर स्क्वायर की जगह स्क्ट्यूट करेंगे पर वो जीरो नहीं होना चाहिए तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू ऑफ वाई पावर ऑफ एक्स जो है सॉरी ये तो फर्स्ट का ही एग्जाम्पल है एक और एग्जाम्पल है जो आप इस तरीके से हम कर सकते हैं केस टू का जो है एग्जाम्पल है वो ये है डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू ऑफ वाई कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स है ऑग्जिलरिक इक्वेशन इसकी निकाली हमने और इसका कंप्लीट मैंट्रिक फंक्शन निकाला जो कि सी वन ई की पावर ऑफ एक्स प्लस सी टू ई की पावर ऑफ टू एक्स है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला तो कोस हाइपरबोलिक एक्स अपन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू आया इसके पार्सल फ्रैक्शन किया डी माइनस टू डी माइनस वन हुआ और हाइपरबोलिक इसका सबसे ईजिएस्ट मेथड ये है कि हाइपरबोलिको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दें तो ई की पावर एक्स प्लस बोली एक का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू और इस तरीके से ये दो सेपरेट किए तो ये बाकी रिमेनिंग पार्ट है जो फर्स्ट केस की तरह बन जाता है तो इस प्रकार से ये ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स दोनों को सेपरेट किया तो ये वन अपॉन टू ई की पावर एक्स अपॉन डी माइनस टू डी माइनस वन हुआ प्लस माइनस एक्स अपॉन्ट टू डी माइनस टू डी माइनस वन हुआ फिर हमने यही एक्सपोनेंशियल का ही केस फर्स्ट का ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो डी माइनस टू में अगर वन रखें तो वो ज़ीरो नहीं हो पाता है तो उस और बाकी डी माइनस वन फैक्टर जीरो हो जाता है तो डी माइनस टू में वन पुट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस वन की वैल्यू आ गई और दूसरे में भी हमने डी माइनस टू की जगह माइनस वन रखा तो ये माइनस थ्री हो गया और दूसरे में माइनस वन रखा तो ये ज़ीरो नहीं हो पा रहा है ठीक है तो की पावर ऑफ एक्स और ये डी माइनस वन की वजह से जीरो है तो एक्स मल्टीपल कर दिया और नीचे फैक्ट्रोल वन से डिवाइड कर दिया तो माइनस ऑफ एक्स एक्स अपॉइंट टू की पावर ऑफ एक्स हुआ और दूसरे से एक की पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉइंट ट्वेल्व हुआ तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया अब हम क्या करेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कल को दोनों को जोड़ करके कंप्लीट फंक्शन निकालते हैं जो इसका सोल्यूशन है इस प्रकार से आगे आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे केस थर्ड केस फोर के बारे में थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास